जा रहे पापा आज यूके। आ जाए भाई 2 मिनट। मुझे डायमंड्स भी है मेरे पास। डायमंड्स भी है, जैसे गनु ने कहा डायमंड्स भी है मेरे पास। तो गनु के फादर नरेंद्र सिंह डायमंड की तरह ही है हमारी लाइफ में, हमेशा चमकाते रहे, हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। और ये भी है माइनक्राफ्ट में। जीआजी के बारे में मुझे तो जीआजी का सर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही दिखाई देता है। सर ही अच्छा लगता है उसके लिए। और एक्साइटमेंट था पिछले 4-5 दिन से, हाँ ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए। और वीज़ा प्रायोरिटी सर्विस लेके वेट कर रहा हूँ कब वीज़ा आए। कल रात को मैसेज आया अराउंड 10:30 कि वीज़ा अप्रूवल हो गया। तो फाइनली सब बहुत खुश हैं, इतने एफर्ट्स डाले, सब कुछ डाले। तो जस्ट वेट कर रहा हूँ। आज मॉर्निंग में जस्ट कॉल आया था कूरियर सर्विस का। यस ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है आप यूज़ कर लो। पापा मैंने इसमें मोबाइल भी डाल दिया। ओके वेरी गुड। मोबाइल डालते हैं इसमें, पूरे घर की बैंक बची पड़ी, हर जगह सामान ही सामान है। इसमें मोबाइल डालते हो? हाँ। मेरा बच्चा बोल रहा है कि वो भी इतना सामान देख के वो भी परेशान हो गया, ऐसे वेयर हाउस बन गया पूरे घर का पैकिंग के चक्कर में। पापा का वीज़ा आने वाला है। कौन आया वीज़ा आया, पूरे घर की लगी पड़ी है। हाँ देखो कौन आया। यस और भी लोग हैं यूट्यूब की वजह से। सर आपका VFS ग्लोबल से पार्टी है। थैंक यू मधु। ओह माय गॉड। 4 दिन से एकदम डेस्परेट थे हम लोग कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो फाइनली मिल गया। प्रायोरिटी सर्विस ली थी क्योंकि अभी कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला था। तो यही डर था कि पता नहीं क्या होगा। तो 4 दिन के बाद आज अच्छे से सो पाएंगे क्योंकि वीज़ा लग गया है। फाइनली वीज़ा आ गया, जिसके लिए ओपन करके दिखाता हूं। यस आई विल होल्ड इट नरेंद्र। यथार्थ हमारा बेटा भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि पापा मम्मा इतना खुश क्यों हैं, ऐसा क्या आया है, ऐसा कौन सा टॉय आया है। बट बेटा ये टॉय नहीं है, यूके का वीज़ा है। नरेन के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट है वो साफ नजर आ रही है। यस ये तो दुबई का दिखा जो दुबई का लगा था। हाँ यस यथार्थ अपना कुछ दिखाने में लगा हुआ है। यस हो गए ना। जिस दिन से वीजा मिला तब से आइटम इकट्ठी करेंगे, आप देखोगे इतनी सारी आइटम मैंने निकाली अभी वेट करने के बाद। 5 दिन के बाद जाके अभी प्रॉपर पैकिंग हुई है। मुझे वो वेइंग मशीन लेके आना पड़ा क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस था। वही चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास क्या, ऑफकोर्स यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी पड़ेंगी, स्पेशली किचन आइटम रहती हैं आपके। अभी इंडिया में हर जगह तो ठंडी है नहीं, मैं इस एरिया से आता हूँ जहाँ पे ठंडी रहती है, हिमाचल से। तो मेरे पास तो थे गर्म कपड़े थे, यहाँ से भी कुछ परचेस करे, उस क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। तो एक बैग तो जस्ट कपड़ों का हो गया, वो भी 24 kg जा रहा था, उसको कम किया, अभी एग्जैक्टली 23 kg किया है, क्योंकि एयरलाइन सिर्फ 23 kg के 2 बैग एक्सेप्ट करती है और एक आप केबिन में लेके जा सकते हो 7 kg का। प्लस लैपटॉप का बैग है तो वो भी कैरी कर सकते हैं, जिसको वो कंसीडर नहीं कर सकते। और थोड़ा अच्छा ट्रिकी प्ले करना हो तो आप जो हुडी जैकेट्स है, वो जो आपके जो वार्म क्लॉथ है उनको पहन के आप थोड़ा वो कर सकते हो, तो एटलीस्ट आधा किलो 1 kg तो आप उसमें रिड्यूस कर लोगे टोटल वेट में से। मेरा इतना सामान है जो बच गया है, मैं उसको कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी 23 kg हो गया, ये वाला मेरा बैग ऑलरेडी 23 kg हो गया है। आइटम का लिस्ट चाहिए होगा तो मैं जो मेरी चेकलिस्ट थी वो उसके हिसाब से, तो जो किचन की मैक्सिमम आइटम है वो यहाँ पे रहने वाली है। बहुत सी आइटम है खाने की कि स्पाइसेस लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, जो मैं नहीं लेके जा पा रहा हूँ अभी, बिकॉज वेट ज़्यादा है, लिमिट से परे हो गया। फिर मुझे सारा का सारा बैग यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ही कुछ परचेज करूँगा। हाँ। ये मैं हूँ, ये है बियर का कैन, बियर का मग, आई मीन ये है पिज्जा, ये है वड़ा पाव, मिर्ची है ना। बियर का कैन क्यों है वहाँ? बियर का कैन पिज्जा तो सबको मुझे पसंद है, वड़ा पाव है, और ये मेरा फेवरेट, और यहाँ साइड में देखो इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स, जो मेरा काम अब नहीं मेरे पार्ट में। जिसने भी बनाया पहले थैंक यू सो मच। यार इधर दिखाइए पहले किसका सेफ्रा अरे प्लीज ये वीडियोस को मत भेजना। ये मेरा पार्ट है। स्टार्टिंग में देखूं तो ये पूरी योगा पोजीशंस है, इस तरफ 3 योगा पोजीशंस दे रखी है, सामने डंबल्स है बिकॉज आई एम हेल्थ फ्रीक, और ऑफ कोर्स खाने से हेल्थ फ्रीक तो खाने से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ओट्स हैं, फ्रूट्स हैं, लाइन साइड में देखो तो वे प्रोटीन है, वो साइड में पानी बोतल। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।